अस्सलाम वालेकुम जमात नहम के बच्चों बच्चों हम सबक नंबर 4 ज़कात, ज़कात की फ़र्जियत, अहमियत और मसारिफ। बच्चों ये सबक हम पढ़ चुके, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 भी कर ले। आज हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। ओके बच्चों, सवाल नंबर 3, ज़कात का मफहूम और फर्जियत बयान कीजिए। एडिंग देनी है बच्चों, ज़कात का मफहूम। सॉरी बच्चों, सवाल नंबर 3 हम कर चुके, आज हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। कुरानी तालीमात की रोशनी में ज़कात के मसारिफ बयान कीजिए। जवाब मसारिफ। बच्चों मसारिफ उसे कहते हैं जो ज़कात के हकदार है। ओके बच्चों, कुरान अकीम ने ज़कात के 8 मसारिफ बयान किए हैं। ज़कात गरीबों, मस्किनों, ज़कात के महकमों में काम करने वालों और उन लोगों के लिए हैं जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ जुड़ना है और गर्दन छुड़ाने में ग़ुलामों को आज़ाद करना जो तावान भरे कर्जदार और अल्लाह की राह में और मुसाफरों के सिलसिले में ये अल्लाह की तरफ से ठहराया हुआ है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। बच्चों इस आयत की रोशनी में ज़कात के 8 मसारिफ ये हैं: फ़िकरा, मसाकीन, महकमा ज़कात के मुलाजमीन, नए मुसलमानों की दिलजोई के लिए, ग़ुलाम और कैदी आज़ाद करवाने के लिए, कर्जदारों के कर्ज की अदायगी के लिए, अल्लाह की राह में मुसाफरों की मदद में। बच्चों ज़कात देते वक्त पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए, बाहर के लोगों को बाद में दी जाए। ओके बच्चों, बच्चों ये 8 जो मसारिफ है जिनको कुरान मजीद में ज़कात इनको दिया जाता है। ओके बच्चों, और ज़कात देते वक्त बच्चों सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को दे दी जाए, उसके बाद बाकी लोगों को। बच्चों ओके बच्चों, बच्चों हम कल सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। बच्चों आज आप लोग सबक नंबर 4 से 10 मुख्तसर सवालात, 10 खाली जगह और 10 सही गलत बना कर लाने। ओके बच्चों, जो आप लोगों को होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।